और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे आज के हमारे भव्य समारोह में पधारते हुए और मैं डॉक्टर महेंद्र शर्मा सांसद गौतम बुद्ध नगर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया उनका रुचि देकर स्वागत करें। हमारे पी एच सी एल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंघल जी उपलब्धि और इस उपलब्धि में नित नए प्रयास करता हुआ नित नए योगदान देता हुआ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसकी सफलताओं की सूची में आज एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है नोएडा का प्रथम वायु प्रदूषण नियंत्रण के अध्यक्ष एवं प्रथम निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंघल जी से कि वे मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का शॉल धन्यवाद सर। नोएडा का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कैमरा आगे मत करो भैया, जो कि स्वदेशी रूप से BHEL में निर्मित किया गया है। BHEL की हरिद्वार यूनिट में इसका निर्माण हुआ है और ऑपरेट आईएनटी हैदराबाद की टीम ने इसे डिजाइन किया। थोड़ा सा भागेंगे सर, फिर थोड़ा सा भागेंगे और ये आत्मनिर्भर भारत के जो एक सपना है। और अब मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि कृपया रिबन काट के ये देखो क्या लगा रखा है भाई, यार मत क्या कर रहे हो तुम। और माननीय मंत्री महोदय के द्वारा रिबन काट कर ये जो मुख्य द्वार है इसमें प्रवेश किया जाएगा जी। तालियां कृपया बजाते रहे। आपने शुभारंभ के मौके पर भेल के अभियंताओं के द्वारा इसकी जानकारी दी गई, इसका कैसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे की ये गंदी हवा खींचेगा और उसको परिष्कृत करके ऊपर छोड़ेगा। यह हमारे भारी उद्योग मंत्रालय की इकाई भेल द्वारा उसके एक रिसर्च वर्क के तहत यहाँ शुरू किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने भी इसमें अपने जमीन और इसके आगे कंटिन्यू मेंटेनेंस के वचनबद्धता के साथ इसके इसमें सहयोग किया है और ये अपने आप में नोएडा की जनता और आसपास की जनता के लिए ये बहुत ही कारगर पहल। अब तो कोई छिपा तथ्य नहीं रह गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिल्ली सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है कि ये विज्ञापनों पर ज़्यादा खर्च करते हैं और काम पर कम करते हैं। और मैं भी सलाह दूंगा कि दिल्ली सरकार के मुखिया अपने जबान के प्रदूषण को दुरुस्त करके जनहित में अपने काम करें, दिल्ली सरकार की प्राथमिकता में लें, क्योंकि देश की राजधानी का इस तरह प्रदूषित होना भारत के लिए बहुत ही कष्टप्रद है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए भी कष्टप्रद है। भारत सरकार उनको हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है। सर एक प्रश्न ये कि आप हेवी इंडस्ट्री में नहीं है तो क्या आने वाले वक्तों में, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर का इसका रेडियस है, तो क्या आने वाले वक्तों में रिहायशी इलाकों में भी इस तरीके के टावर बनाए जाएंगे? अभी ये प्रयोग शुरू हुआ है, निश्चित तौर से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो यह कम लागत पर हमारे भेल ने इसको अपने स्वयं की डिजाइनिंग करके किया है और दूसरा ये तो अपनी तरफ से हम लोगों ने किया है। फिर हम इस कोशिश में आगे बढ़ेंगे कि हम इतनी कम लागत के दृष्टि से इस संयंत्र को तैयार करें कि संस्थाएं, सरकारें और इंडस्ट्रीज सब इसमें आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा
समाज को प्रदूषण मुक्त वायुमंडल देने की कोशिश की जाएगी, उसमें हम अभी और आगे पहले करेंगे।